फैल रही बीमारियों के उपचार की बात, होगी राजनीति, खेल और फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों के फिटनेस और बीमारियों के बारे में बात। हम बताएंगे कौन सा फल और कौन सी सब्जी बनेंगे आपके दोस्त और रखेंगे आपको बीमारियों से दूर। तो हो जाइए तैयार, एक खास प्रोग्राम को लेकर आ रहा हूँ मैं अंकुर अस्थाना और मैं रिजवान खान। इस प्रोग्राम का नाम है GST। ना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। पेड़ पौधे हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, साथ ही कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पत्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो वहीं आम को फलों का राजा भी कहा जाता है और उनके पत्ते काफी मीठे होते हैं, साथ ही बेहद ही कारगर साबित भी होते हैं, जिससे आपकी बहुत सी बीमारियां कंट्रोल होती है। अगर आप आम के पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आप कुछ ही दिनों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम की पत्तियां किडनी, फेफड़ों, लीवर के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। इसके अलावा शरीर के विषक्त पदार्थ को यूरिन के जरिए बाहर भी निकालती हैं, जिससे आप काफ़ी सेहतमंद रहते हैं और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इसके लिए आप आम के पत्तों को पीस लें और उसका एक पाउडर तैयार करें और रोजाना खाना खाने से लगभग 20 मिनट बाद इस पाउडर का सेवन करें। लेकिन आप सिर्फ आधी चम्मच पाउडर का ही सेवन करें। इसके अलावा दिल के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होती हैं। हालांकि दिल से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप आम के पत्तियों का बना चूर्ण रोजाना सुबह सेवन कर सकते हैं, जिसके कारण आप बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, साथ ही आप सेहतमंद भी रहेंगे। रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।